हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉप टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे यूई सेमेस्टर वन परीक्षा तिथि को लेकर चिंतित थे, तो उन सभी बच्चों को बता दूं कि आपका एग्ज़ाम डेट है जो बीबीएमक्यू ने जारी कर दिया है। तो आप सभी बच्चे अब रेडी हो जाइए, क्योंकि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन कब से कब तक हो सकता है शुरू। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लाइक प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मन करे तो वहाँ जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज दिया हुआ ये समाचार आपके लिए कि जून में स्नातक सेमेस्टर वन की परीक्षा, यानी जून मंथ में आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मई में एग्जामिनेशन होने वाला है, नहीं आपका जून में ही होगा, वही हुआ है लास्ट में। लेकिन लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव में कई कॉलेज भवन का किया अधिग्रहण, क्योंकि देखिए बहुत से कॉलेज हैं, सबको क्या अपने डिपार्टमेंट के अंडर ले लिया, क्योंकि वोट होने वाला सीधा बात है, वोट मैदान में करते हैं सब नेता कैसे होते हैं। अगला यहाँ लिखा हुआ देखिए कि विनोद बिहारी महतो कुरांचल विश्वविद्यालय में मई में गर्मियों की छुट्टियाँ से पहले प्रस्तावित स्नातक सेमेस्टर वन सेशन 2021-24 की परीक्षा पंचायत चुनाव का टल गई है। अब ये परीक्षा चुनाव के बाद अगले महीने जून में होगी। सोचिए, अब आपको जून में होगा, जून में भी देखिए कब वो पढ़ते चले खरीद बस, ठीक है। कि यह निर्णय सोमवार को बीबीएमक्यू परीक्षा बोर्ड में बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता DSW डॉक्टर देवांजन विश्वास ने की। परीक्षा बोर्ड की बैठक पर इस पर विस्तृत चर्चा हुई कि बीबीएमक्यू के कई कॉलेज भवन का पंचायत चुनाव के लिए अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लिया गया, सीधा बात है। इसके साथ ही कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षक कार्मियों को भी चुनाव ड्यूटी में रहना पड़ेगा। ऐसे में मई में सेमेस्टर वन की परीक्षा संभव नहीं है। जैसा पता ही था कि सेमेस्टर वन की परीक्षा हो नहीं सकता मई में। इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि जारी कर जून में इधर जैसे मैंने बोला था कि आपको इस महीने डाल दिया जाएगा, शेड्यूल डाल दिया जाएगा, इस दिन से स्टार्ट होगा। और वही हाल यहाँ पर बोल दिया कि जून में आपका एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि 23 मई से 20 जून तो गर्मी की छुट्टियां रहती है। आप सोचिए 23 से लेकर 20 तक छुट्टियां, 20 के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा। छुट्टियां में छात्र छात्रा बाहर चले जाएंगे, सीधा पता गर्मी की छुट्टी है। अगले जून में एकाएक परीक्षा की घोषणा हो गई थी, तो छात्र पर देखिए अब पिछले साल क्या हुआ था, अगले बार पिछले कोविड भी था और अचानक क्या हुआ था, तिथि घोषणा हो गया था। ऐसा कुछ भी बात नहीं कि छात्र घबरा गए, छात्र घबराने की बात नहीं है। कोई भी छात्र देखिए सीधा बात है ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या करता है, बाहरी काम भी करता है, इसलिए उसको दिक्कत हुआ, सीधा बात है। आपने बताया नहीं आगे, देखिए आगे लिखा हुआ कि बैठक में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन का अनुवरवाल ने समेत अन्य उपस्थित थे। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे जन मौजूद थे, ये हमें बताया गया। तो यही अभी सूचना आ गई कि आप सभी बच्चों जो एग्जामिनेशन सेमेस्टर वन का आराम से जून भी नहीं होगा, जून के लास्ट मतलब 20 जून के बाद होगा। 20 जून के बाद मैं समझ पूरा जुलाई आपका बर्बाद होने वाला है। तो आराम से सेमेस्टर वन का आपका समय है, भरपूर अभी आराम घूमिए, गर्मी की छुट्टी मनाइए, क्योंकि पंचायत चुनाव के पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों जितने व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। तो और टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा तो मन करे जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पर मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, बाय।